नेक्स्ट टॉपिक इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन्स. केमिकल रिएक्शन में एक टॉपिक है आता है यहाँ पे, जैसे हमने इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें देख लिया था, तो इसका जो क्विनोलिन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो पायरीडीन एंड बेंजीन रिंग बेस पे होता है. ठीक है, इसमें पायरीडीन भी होता है और बेंजीन रिंग का भी स्ट्रक्चर इसमें होता है. तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक फर्स्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शन वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें सबसे पहले हम क्विनोलिन लेंगे, उसके बाद पता है हमको कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या क्या होता है. इससे पहले के सारे कंपाउंड्स में भी इस टाइप के जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन है वो भी हुए थे. तो फिर इसमें क्या है, ये अपना क्विनोलिन पायरीडीन बेंजीन वाला है, तो इसका केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, उसके उसके टाइप ही होगा. तो क्या हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें हम सबसे पहले क्विनोलिन लेंगे और इस और हाँ, इसका जो फिफ्थ एंड जो एट पोजीशन रहता है वो ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे सुटेबल रहता है. इसको यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में क्या रहता है, इसकी कौन से पोजीशन में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो वो है फिफ्थ एंड एट पोजीशन पे. तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्विनोलिन को सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, फिर एस ओ थ्री एच को इसके फिफ्थ पोजीशन पे और एस ओ थ्री एच को इसके क्या करेंगे, एट पोजीशन पे हम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो जब ये फिफ्थ पोजीशन पे ऐड होगा तो क्या बनेगा, ये क्विनोलिन सल्फ्यूरिक एसिड फिफ्थ, यहाँ पे हम फाइव लिख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, सेम चीज़ बन रहा है, बस हमने क्या किया यहाँ पे पोजीशन जो है वो चेंज किए हैं. ठीक, अब हम नेक्स्ट, तो इस जो रिएक्शन है ये हमारा, जब क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड बना, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम सल्फोनेशन कहते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं. अब नेक्स्ट जो रिएक्शन हम कराएंगे वो है एक हैलोजन के साथ. तो हैलोजन में हमें यहाँ पे लेना है ब्रोमीन को, या इसे हम बोल सकते हैं ब्रोमिनेशन, आपको जो भी सही लगे आप बोल सकते हैं इसमें. तो ब्रोमीन में क्या करेंगे, इसमें इसके फिर से क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पे फिफ्थ या फिर एट पोजीशन पे, तो इससे पहले भी हमने क्या किया था, ब्रोमिनेशन कराया था. ठीक है, इमिडाजोल भी कराया था. तो इसमें क्या होगा, हम ब्रोमीन ले लेंगे यहाँ पे, तो ब्रोमीन से क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ पोजीशन पे जब अटैच होगा तो ये क्या कहलाएगा, फाइव ब्रोमो क्विनोलिन. और जब ये एट पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, ये एट ब्रोमो क्विनोलिन. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसे हमें क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं. ठीक है, नाइट्रेशन में पता है आपको हमको क्या ऐड करना होता है, यहाँ पे एन ओ टू को ऐड करना होता है. ये कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है. इससे पहले भी हमने ये दो तीन बार कर लिया है. तो एन ओ टू को पहले से फिफ्थ पोजिशन पे ऐड करेंगे तो ये क्या प्रिपेयर करेगा, फाइव नाइट्रोक्विनोलिन को. और जब इसके एट पोजिशन पे जब ऐड करेंगे तो क्या प्रिपेयर करेगा, ये एट नाइट्रोक्विनोलिन को. ठीक है, तो ये इसका है फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो इसके पोजिशंस को हमें याद रखना है. तो जो स्टेबल पोजीशन है वो हमारा हो गया इसका फिफ्थ एंड एट पोजीशन पे. फिर स्टेबल जो पोजीशन है उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे लेंगे. तो इसमें से ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि सल्फोनेशन होता है, इसमें हैलोजनेशन होता है, फिर नाइट्रेशन होता है. तो सल्फोनेशन से आपको याद आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड में से H2O माइनस करेंगे, SO3H को यहाँ पे अटैच करेंगे इसके फिफ्थ एंड एट पोजीशन पे. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है ब्रोमिनेशन का. और ब्रोमिनेशन में हमको ब्रोमीन से पता चल रहा है BR का. ठीक है, तो इसमें जो BR2 लेना है यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे एक एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड कर देंगे एक फिफ्थ पोजीशन पे और एक है अपना एट पोजीशन पे. तो क्या ये प्रिपेयर करेगा, ये फाइव ब्रोमो क्विनोलिन को और एक क्या बनाएगा, एट ब्रोमो क्विनोलिन को. या इसे हम क्या कह सकते हैं, हैलोजिनेशन, या इसे ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं. अब है नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा नाइट्रेशन का. तो नाइट्रेशन में पता है आपको एन ओ टू ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे लेना क्या है, तो कंसनट्रेटेड हमको नाइट्रिक एसिड चाहिए और एक सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए. ठीक है, उससे हम एन ओ टू को अलग करते हैं और इससे प्रिपेयर करते हैं नाइट्रेशन
प्रोसेस को, तो इसमें है 5-नाइट्रोक्विनोलिन जो फिफ्थ पोजीशन पे NO2 अटैच करके बनाया गया, फिर है 8-नाइट्रोक्विनोलिन जो एट पोजीशन पे इस पर हमने बनाया था। तो इसे हम नीचे भी इसे लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके कि हमने क्विनोलिन से रिएक्ट विथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिमूवल ऑफ वाटर इट गिव्स क्विनोलिन एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्विनोलिन रिएक्ट विथ ब्रोमीन हैलोजन कंपाउंड इट गिव्स 5-ब्रोमोक्विनोलिन एंड 8-ब्रोमोक्विनोलिन। ठीक है, अब ये भी हम वैसा लिख सकते हैं कि क्विनोलिन इन द रिएक्शन ऑफ HNO3 कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स 5-नाइट्रोक्विनोलिन एंड 8-नाइट्रोक्विनोलिन। तो स्टेप्स का फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियोफिल्स ऐड होगा उसमें क्या होता था, अपना इलेक्ट्रोफिल्स जो है उसे ऐड करते थे। तो इसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल जो रहते हैं इसके वो सेकंड पोजीशन पे अटैच होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्विनोलिन को, ठीक है, तो क्विनोलिन को यहाँ पे हमने लिया है सोडियम मैट को और यहाँ पे लिथियम प्रोपाइल, ठीक है, CH3CH2CH2CH2Li, ये अपना क्या है लिथियम प्रोपाइल को। तो इन दोनों को याद रखना है, इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से अपना क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से अपना जो Na है और NaH2 है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये जब बेंजीन जब डेवलप करेगा तो ये जो NH2 जो है वो इसको क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसको सेकंड पोजीशन पे ऐड करेगा और ऐड करने के बाद क्या प्रिपेयर करेगा, टू एमिनो क्विनोलिन्स को। ठीक है, तो ये अपना न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। फिर सेकंड है ये, इसमें हम लेते हैं लिथियम प्रोपाइल इथर को। तो जो लिथियम प्रोपाइल इथर है वो क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हाइड्रोजन है और लिथियम है, वो लिथियम हाइड्रोजन के साथ में अलग हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2-ब्यूटाइल क्विनोलिन। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, CH2 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 और CH3, तो ये क्या कहलाता है, 2-ब्यूटाइल क्विनोलिन, इसे क्विनोलिन डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया सेकंड स्टेप, सेकंड का क्या नाम है, अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है सेकंड पोजीशन पे ये जो न्यूक्लियोफिल्स जो रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो इसके सेकंड पोजीशन पे ये रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो हमने एमिनो ग्रुप ले लिया, तो क्या प्रिपेयर करेगा, ये 2-एमिनो क्विनोलिन को। ठीक है, अब सेकंड हमने लिया है यहाँ पे लिथियम प्रोपाइल इथर को, तो लिथियम प्रोपाइल इथर में क्या होगा, जो Li और H है, ठीक है, यहाँ से Li और H क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये लिथियम हाइड्राइड ऑफ यहाँ पे क्या बचा अपना, 2-ब्यूटाइल क्विनोलिन, ये अपना क्या बन गया यहाँ पे, 2-ब्यूटाइल क्विनोलिन यहाँ पे अपना ऐड हो गया, CH2 CH2 यहाँ से और CH2 यहाँ पे और CH3। ठीक है, और बचा अपना क्या, LiH, तो ये तो क्या हो गया था अपना, अलग हो गया था, तो ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें हम क्विनोलिन जो जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ये एक क्विनोलिनिक एसिड फॉर्म करता है। तो जब ये ब्रेक करेगा तो एक COH को ये क्या करेगा, ये 2COH है। ठीक है, तो एक COH को जब हम इसी फिर से क्विनोलिनिक एसिड को जब हीट करते हैं तो 1COH को भी क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनाता है, निकोटिनिक एसिड। तो हम इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ठीक है, क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करके हम जो निकोटिनिक एसिड भी हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्विनोलिनिक क्विनोलिन लेंगे। ठीक है, क्विनोलिन लेने
के बाद में इसे जैसे ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो बेंजीन रिंग को जब ये ब्रेक कर लेगा उसके बाद क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, ठीक है, ये एक क्विनोलिनिक एसिड को एक फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर क्विनोलिनिक एसिड यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे COH है, फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक होने की वजह से ये जो COH है वो हट जाएगा। फिर जब हम इसे हीट करेंगे CO2 के प्रेजेंस में, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये निकोटिनिक एसिड को फॉर्म करेगा, ठीक है। या फिर हमें जब भी निकोटिनिक एसिड बनाना हो तो हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, यहाँ से क्विनोलिन चाहिए रहेगा, ठीक है, KMnO4 रहेगा, तो और उसको जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर ये हो सकता है। तो अगर हमें कभी आ गया निकोटिनिक एसिड का प्रिपरेशन तो हम ये भी लिख सकते हैं। फिर है रिडक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हम यहाँ पे लेंगे क्विनोलिन के साथ में लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन्स को लेंगे, तो ये लेने के बाद में क्या करता है, यहाँ पे 1,2-dihydroquinolinin को ये क्विनोलिन को ये फॉर्म करता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से ये 1,2-dihydroquinolinin को ये फॉर्म करता है, तो ये इसका क्या है, रिडक्शन जो है वो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट इसका था इलेक्ट्रोफिलिक, सेकंड इसका था न्यूक्लोफिलिक, थर्ड इसका है ऑक्सीडेशन, उसके बाद अपना क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का ये फर्स्ट स्टेप है, बाकी इसके 2 स्टेप्स और हैं वो मैं बताती हूँ। तो इस टाइप से हमें इसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा जो निकोटिनिक का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना प्रिपेयर हो रहा है। अगर एग्जाम में आया कि निकोटिनिक एसिड किससे, मतलब किसके ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, क्विनोलिन के ऑक्सीडेशन से अपना निकोटिनिक एसिड को वो फॉर्म करता है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर है इसका रिडक्शन, तो रिडक्शन में आपको याद रखना है यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन को, तो ये तीनों में जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, 1,2-dihydroquinolin को। हमने रिडक्शन का फर्स्ट स्टेप देख लिया था अभी, तो ये सेकंड स्टेप है रिडक्शन में, तो ये रिडक्शन करता है जो क्विनोलिन है, ठीक है। तो क्विनोलिन का जब रिडक्शन होता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, ये जो केमिकल्स हैं उसे प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि अभी हम क्या लिए, यहाँ पे क्विनोलिन लिया, अब उसके साथ में SnHCl या H2Ni के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, 1,2,3,4 tetra-dihydroquinolin को फॉर्म करता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसके जो 1,2,3,4 पोजीशन पे क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन्स जो है वो अटैच हो जाते हैं, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, 1,2,3,4 tetra-hydroquinolin, ठीक है। फिर है नेस्ट, नेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे फिर से हमने क्विनोलिन लिया, ठीक है, इसे नेक्स्ट स्टेप में भी आप डाल सकते हैं। तो फिर से हमने क्विनोलिन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेटिनम ले लिया, या फिर हमने लिया CH3COH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, ठीक है। तो इनके प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराने से ये क्या बनता है, डेका हाइड्रोक्विनोलिन, ठीक है। डेका हाइड्रोक्विनोलिन मतलब इसके जो 10 पोजिशन पे जितने भी कार्बन थे वहाँ पे पूरे क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं, और ये क्या प्रिपेयर कर लेता है, डेका हाइड्रोक्विनोलिन को। तो ये इसका क्या है, क्विनोलिन का रिडक्शन है, और ये एक टाइप का एक इसका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्विनोलिन का, क्योंकि ये अलग अलग जब यहाँ पे हम कंपाउंड्स लेते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करता है, यहाँ पे प्रिपरेशन करता है। तो इस टाइप से ये इसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में आते हैं सब इसके रिडक्शन प्रोसेस के। नेक्स्ट इसका है मेडिसिनल यूजेस ऑफ क्विनोलिन, ठीक है। इसमें तो जो क्विनोलिन जो होता है वो एल्केलॉइड्स में भी पाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही। तो इसके मेडिसिनल यूजेस में क्या क्या है, तो इसके मेडिसिनल यूजेस में है ये एंटी मलेरियल, इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी मलेरियल में जैसे ड्रग्स में हो गए क्विनिन हो गए, और सिंकोजिन हो गया, और एक हो गया प्राइमाक्विन, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स है इसमें हम ये से सब यहाँ पे जैसे कि क्विनी है, ठीक है, फिर यहाँ पे सिंकोजिन है, फिर है प्राइमा
है, ठीक है। तो एक क्विनोलिन से ही क्या हुआ है, प्रिपेयर हुआ है, जो मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ही यूजफुल होता है। फिर है एंटी प्रोटोजोअल भी होता है, ठीक है। तो एंटी प्रोटोजोअल में इसमें ड्रग्स हो गया, क्विनी डोक्लोर हो गया, आयोडो और क्विनोल हो गया, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे इसके क्या होते हैं, मेडिसिनल यूजेस होते हैं क्विनोलिन को, जिसे हम यूज करते हैं इसमें। मेडिसिनल यूजेस ऑफ क्विनोलिन, तो ये एंटी मलेरियल तो इसे यूज करते हैं, एनाल्जेसिक भी इसे यूज कर सकते हैं, और इसमें एंटी हेलमेंथिक एजेंट्स में भी यूज होता है, जिसमें ड्रग्स आते हैं अपना फॉक्सामीन क्वीन, और एक आता है पैराजी पेंटल, ठीक है। अब इसे यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें हम ऑक्सोलिनिक एसिड एंड डॉट फ्लॉक्सासिन को भी यूज करते हैं। फिर है ये एंटी एचआईवी एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है, जो अपना क्विनिन है वो इसमें जो है सेक्विनेविर है, ठीक है। सेक्विनेविर जो ड्रग है उसे यूज करते हैं। तो ये हो गया अपना क्विनोलिन का मेडिसिनल यूजेस ऑफ क्विनोलिन। तो इसमें आज कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है इसमें क्विनोलिन में। सबसे पहले इसका क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स में इसमें जो रेजोनेंस है, ठीक है, तो ये क्या है, डीलोकलाइज होता है, तो इसका रेजोनेंस इम्पॉर्टेंट है। तो इसके स्ट्रक्चर के साथ ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद इसका बताना है आपको सेंथेसिस, अब सैंथेसिस में क्या है, जो भी डिफिकल्ट जो भी सैंथेसिस है उसका आपको क्या बताना है, इसके साथ में मैकेनिज्म, नेक्स्ट है इसमें केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक और एक जो है अपना इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब है मेडिसिनल यूजेस, तो जो मेडिसिनल यूजेस है वो आपको हम फाइव जो है शो करना है।